अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई विवाद था तो वो विवाद संपत्ति का था। वो क्या विवाद था ये जानने के लिए मैं मौजूद हूँ बागम्बरी गद्दी मठ में, जो प्रयागराज में मौजूद है, और इसी गद्दी के प्रमुख थे महंत नरेंद्र गिरी। ये वो गद्दी है, और इस गद्दी को और इसकी संपत्ति को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए, जहाँ इस गद्दी से मेरी बाईं तरफ जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक वो मठ है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ सबसे जो पहला हिस्सा है वो गौशाला का है, और गौशाला के बाद ये जो एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, और इस हॉल के बाद से मठ का वो हिस्सा है जहाँ बाबा खुद रहते थे। अब यहाँ से जब हम बाएं की तरफ जाते हैं, यानी कि ये जो मुख्य गेट से इस तरफ दूसरी तरफ का मकान बने हुए हैं काफ़ी सारे, यहाँ से दूर तक जहाँ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक इसी गद्दी की जो प्रॉपर्टी है वो हुआ करती थी, लेकिन इसका काफ़ी हिस्सा यानी आधे से ज़्यादा हिस्सा अब तक बिक चुका है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है अब आपको चलते हैं और समझाते हैं कि आखिर दोनों गुरु और चेले के बीच में विवाद हुआ तो हुआ। बागम्बरी मठ को विकसित करने के नियत से महंत नरेंद्र गिरी ने अपने आश्रम की दक्षिण हिस्से की जो ज़मीन थी सबसे पहले उसको बेचा, और वो ये हिस्सा है। ये जो बिल्कुल सामने आपको मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है, इस मिठाई की दुकान से लेकर जो बिल्कुल आगे मठ के कोने तक की ज़मीन है वो तीन हिस्सों में बेची गई। और शुरुआत जब हुआ तो इस ज़मीन को महंत नरेंद्र गिरी ने एक मिश्रा जी को बेची, मिश्रा जी को बेचने के बाद दूसरा हिस्सा बेचा, और फिर तीसरा हिस्सा शैलेंद्र सिंह नाम के एक बिल्डर को बेचा जो संगम एस्टेट्स के मालिक हैं। अब आपको कागज़ दिखाते हैं, ये वो कागज़ है जिस कागज़ में आप देख सकते हैं कि खसरा संख्या 228 और ये इलाका है सदर तहसील प्रयागराज का, और इसमें इस ज़मीन के जो स्वामी हैं यानी महंत नरेंद्र गिरी और उनके गुरु का नाम लिखा है बलदेव गिरी बागम्बरी गद्दी अल्लापुर इलाहाबाद, और इसके बाद जितने भी लोगों को इस ज़मीन को बेचा गया है उन सब का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। संजय कुमार राय से लेकर के नंद शुक्ला, उमेश कुमार पांडे, सावित्री राय, इसके अलावा अरविंद मिश्रा, ब्रिजेंद्र मिश्रा, ऐसे करके तमाम सारे लोग हैं जिनको महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी ज़मीन रजिस्ट्री की, और धीरे धीरे मठ का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा बिक गया, और उन पैसों से महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी जो गद्दी है उसको बहुत ज़्यादा विकसित कर ली। साल 2012 में नरेंद्र गिरी ने अपने मठ के ठीक बगल में स्थित 11,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन शैलेंद्र सिंह को बेची। शैलेंद्र सिंह यानी कि संगम रियल एस्टेट्स के मालिक, और उन्होंने संगम के ही नाम से एक अपार्टमेंट बनाया। ये वो अपार्टमेंट है, और आप देखिए इस दुकान का नाम है संगम डेली नीड्स सुपरमार्ट, यानी कि इस अपार्टमेंट के बाहर ज़रूरत की चीज़ों की एक दुकान और इसके पीछे की तरफ अपार्टमेंट बनाया गया। और इस ज़मीन को लेकर के भी विवाद हुआ था, जब महंत नरेंद्र गिरी अपनी ज़मीन शैलेंद्र सिंह को बेच रहे थे तो इसमें मीडिएटर का काम कर रहे थे पूर्व विधायक महेश नारायण सिंह। वो महेश नारायण सिंह इस ज़मीन में कुछ हिस्सा चाहते थे जिसको लेकर विवाद हुआ था, बाद में सारी पार्टीज़ एक साथ बैठी यानी महंत नरेंद्र गिरी, शैलेंद्र सिंह और महेश नारायण सिंह, ये तीनों लोग बैठे और पैसे को लेकर के बातचीत हुई, और उसके बाद इस ज़मीन को शैलेंद्र सिंह को सौंप दिया गया, जिस पर तीन साल में यानी 2015 के अंत तक इस अपार्टमेंट को शैलेंद्र सिंह ने बनवाया, और 2016 से इस अपार्टमेंट की रजिस्ट्री शुरू कर दी। और इसी अपार्टमेंट में रहते हैं अजय सिंह जो कि महंत नरेंद्र गिरी के गनर हैं और इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। बताया जाता है कि जब महंत नरेंद्र गिरी अपने मठ के अगल बगल की ज़मीन बेच रहे थे उस वक्त उनके शिष्य आनंद गिरी ने ज़मीन बेचने का विरोध किया था। विरोध के बावजूद नरेंद्र गिरी चाहते थे कि मठ का विकास हो, और इसीलिए उन्होंने ये जो तमाम सारी प्रॉपर्टीज़ थी उनको बेचा, और उनमें से एक प्रॉपर्टी है संगम रियल एस्टेट की, ये जो बिल्कुल सामने आप अपार्टमेंट देख रहे हैं, और इसी में अलग अलग टावर्स बने, और उस टावर्स में एक दो फ्लैट्स ऐसे लोगों को भी मिले जो महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी थे। और आप देखिए कि बिल्कुल सामने जो मेन गेट है ये संगम रियल एस्टेट का है। ऐसे में फ़िलहाल जो पैसे की लेन देन था वो सारा कुछ सेटल हो चुका था, और अब नरेंद्र गिरी चूँकि नहीं है लेकिन उन्होंने अपने सुसाइड नोट में 25 लाख रुपये की देनदारी की बात लिखी है, और उसमें जिन लोगों का नाम है उसमें एक नाम संगम रियल एस्टेट्स का भी है, और दूसरा नाम एक आदित्य मिश्रा हैं उनका है, जो कि फ़िलहाल अब तक सामने नहीं आया।
महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच में सबसे ताज़ा विवाद अगर कोई था तो वो एक पेट्रोल पंप को लेकर था, और वो पेट्रोल पंप खुलना था बागम्बरी मठ के अंदर मौजूद गौशाला में, और ये 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी। और बिल्कुल सामने आप ये जो जगह देख रहे हैं ये मठ की ही ज़मीन है जिसमें एक बड़ी बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के पीछे गौशाला स्थित है। इस 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर जब प्रयागराज कुंभ से पहले आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में संबंध अच्छे थे, तब महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य के नाम पर एक पेट्रोल पंप खोलने की इच्छा जाहिर की, और उसके लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू हो गई। काफ़ी आगे तक कार्रवाई चली गई, लेकिन इस बीच में कुंभ की व्यस्तता और कुंभ के बाद जो गुरु और शिष्य में विवाद था, उस विवाद की वजह से नरेंद्र गिरी ने यहाँ पर पेट्रोल पंप खोलने की जो तैयारी थी उस पर विराम लगाया और यहाँ पर पेट्रोल पंप खोलने से मना कर दिया, जिसका विरोध आनंद गिरी कर रहे थे। और आनंद गिरी कह रहे थे कि अगर यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं खुला तो उसके बदले में उनको कुछ पैसे चाहिए, और इसी पैसे को लेकर के गुरु शिष्य में कुछ विवाद हुआ और विवाद लगातार गहराता चला गया, और एक के बाद एक नए नए विवाद खड़े होते गए, जिसकी परिणति ये हुई कि आज महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर चुके हैं और उनके सुसाइड नोट में उनके सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी का नाम है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह और अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ प्रयागराज। ABP News आपको रखे आगे।